about the direction of magnetic field. When the magnetic field is direction of, ये कैसे पता चलेगा? Direction of magnetic field. तो इसके लिए कुछ rules हैं. We are having some certain rules by which we can find out the direction of magnetic field. आज हम लोग वही सीखेंगे कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सपोज ये हमारा कंडक्टर है. इन दिस करंट इज फ्लोइंग द अपवर्ड डायरेक्शन एंड वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी. मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और उसके सामने सिर्फ पॉइंट बी ले रखा है और इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, से राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं. हमने राइट हैंड की अपना ऐसे, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल. अब इसमें थंब को हम ऐसे रखेंगे, जो थंब है इसको हमेशा ऐसे रखना है कि करंट की डायरेक्शन में रहे और ये जो फिंगर्स है उसको ऐसे रखना है कि उस पॉइंट की तरफ रहे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है, इसके बाद पाम के ऐसे जो परपेंडिकुलर होगा, ये पाम के परपेंडिकुलर है, वो जिस डायरेक्शन में होगा वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो हमें क्या करना है, राइट हैंड पाम लेना, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना है पॉइंट की तरफ, फिर ये जो परपेंडिकुलर होगा पाम पे वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल को आप देखो, तो इसमें करंट देखिए ऊपर है तो थंब हो गया ऊपर, पॉइंट इस तरह, देखिए फिंगर हमारे पॉइंट की तरफ. अब ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है वो कहां जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स. देखिए थंब हो गया करंट की डायरेक्शन ऊपर, फिंगर्स हो गए इस तरह, और देखिए ये जो परपेंडिकुलर है वो कहां जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, है ना. यानी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली इनवर्स टू द प्लेन ऑफ रूल. ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस के साइन से लिखते हैं. ठीक है, अगर एक परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होती तो डॉट के साइन से लिखता है. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा करना क्या है. इसे एक बार देख लीजिए, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना है पॉइंट की तरफ, फिर ये जो परपेंडिकुलर होगा पाम ये जिस तरफ होगा वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस बार करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी ऐसे, अब इस पॉइंट पी पे हमको निकालनी मैग्नेटिक फील्ड. कैसे निकालेंगे, तो फिर वही रूल है, थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में, तो थंब को नीचे ले जाना है और फिंगर को पॉइंट पे दो. तुमने क्या किया, ऐसे कर दिया, ये देखिए थंब हो गया नीचे, फिंगर हो गई पॉइंट पी की तरफ, पी इधर है ना. अगर पी इधर होता तो कैसे करते, पी इधर है ना, अगर इधर होता तो ऐसे करते, पी इधर है तो ऐसे करेंगे. अब बताइए जो परपेंडिकुलर है पाम पे वो कहां है, बाहर की तरफ, यानी इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ रूल. ठीक है, ये दो क्लियर हो गए. तो ये था फर्स्ट रूल. अब आते हैं सेकेंड रूल में, कि सेकेंड रूल कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रूल. सेकेंड रूल के लिए क्या है, मान लीजिए कंडक्टर, तो सेकेंड रूल कहता है कि आप कंडक्टर को ऐसे पकड़ लीजिए जैसे करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर है, नीचे आ रहा है तो नीचे है. तो मान लीजिए कंडक्टर ने इसको ऐसे पकड़ लिया, पकड़ लिया इसे, तो देखिए थंब कहां है, जिधर करंट जा रहा है ना ऊपर. अब उन्होंने कहा जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर हुई मुड़ी हुई, जब आप ऐसे पकड़ रहे हो तो देखिए आपकी ये जो फिंगर्स है वो झुक रहे हैं ऐसे, यानी कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे मुड़ी हुई है ना. तो उसने कहा इस सारे रूल के अकॉर्डिंग ये हुआ कि पहले आप कंडक्टर को ऐसे पकड़ लें ताकि जो थंब है वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर हुई होगी मुड़ी हुई होगी वो डायरेक्शन में जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ओके,
चलिए एक बार फिर से वाला लोग देख लेते हैं। ऐसे कंडक्टर का करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हमने कंडक्टर के ऊपर पकड़ा, तो आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है, यदि इस डायरेक्शन में से मुड़ी हुई नहीं, वो जो शेप है वो शेप हो जाएगी, वो जो हो जाएगी शेप हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। और फिर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दी जाए तो हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान दें जब आपने फिंगर्स तोड़ा, तो ये जो टिप होती है फिंगर्स की, ये एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस पर किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। तो ये हो गया सेकेंड रूल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल स्क्रू रूल बोलते हैं उसको। कैसे होता है तो देखिएगा जरा। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, एक ये स्क्रू है। अब अगर करंट ऊपर जा रहा है तो आप बताइए स्क्रू को कैसे घुमाओगे? ऐसे घुमाओगे कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये स्क्रू भी जाए। आप कैसे घुमाओगे? ऐसे तो घुमाओगे। जब आप स्क्रू ड्राइवर को यू घुमाओगे तभी तो वो स्क्रू करंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर को आपने घुमाया है, कम घूम रहा है, तो जिस डायरेक्शन में कम घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में कम घूम रहा है वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो आप जानते हो इसके अगर वो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे तो हो जाएगी मैग्नेटिक। तो ये थ्री रूल्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है क्योंकि भाई सिंपल से जल्दी सेट होगा। ठीक है, तो ये अलग क्लियर हो गया। इसमें क्या है, जो कंडक्टर उसको भी किस स्क्रू ड्राइवर मानेंगे और उसको जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन को स्क्रू को ले जाना है। तो मान लीजिए करंट ऊपर जा रहा है, स्क्रू को आप कैसे स्क्रू ड्राइवर को कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे तभी तो स्क्रू ऊपर जाएगा। बोलिए, ऐसे तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब घूम रहा है, घूम रहा है वो डायरेक्शन में जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। और फिर उसके अगर हम लोग टेंजेंट बना दें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थ्री रूल्स थे जिनके हिसाब से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक पाम रूल था, ठीक है, एक राइट हैंड से जैसे हमने कंडक्टर को पकड़ा था वो रूल था, एक कार्ड ये वाला हो गया स्क्रू ड्राइवर स्क्रू वाला। ठीक है, इसमें क्या जानना है कि ऐसे हमें स्क्रू ड्राइवर को घुमाना है कि वो जो स्क्रू है वो उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में करंट जाए। फिर जिस डायरेक्शन में आपका थंब घूम रहा है, घूम रहा है वो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन में जाएगी। फिर इसके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट अगर बना दे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? थैंक यू।